रेस्क्यू 1122 में मुबैना करप्शन का मामला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आज खुद नोटिस लिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने सेक्रेटरी दाखला से रिपोर्ट तलब की है। इसी पर बात कर लेते हैं, हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन बताएगा, नोटिस लिया गया है और रिपोर्ट कब तक तलब की गई है? बिल्कुल, इस हवाले से अगर देखा जाए तो लाहौर न्यूज़ ने मुतअद्दिद बार इन अहम इंकशाफात किए थे, अहम मामलात की निशानदेही की थी, जिसमें बताया गया था कि मोटर बाइक एम्बुलेंस में जो है बड़े पैमाने पर मुबैना तौर पर जो है खुद जो है वो करप्शन की गई, बदउनवानी की गई और गबन किया गया, सरकारी खजाने की लूटमार की गई। और इस हवाले से वहाँ पर जो जो अफसरान थे, मुलाजमी थे, उनके हवाले से भी शॉर्ट सामने लाए थे। लेकिन ये मामला अब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँच गया और जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने जो है मामले का उसको नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी दाखला पंजाब को जो है वो खत लिखा गया है ह्यूमन राइट्स सेल की जानिब से, और उनसे ये कहा गया कि 27 सितंबर को जो है तमाम तर रिकॉर्ड और इससे जो दरख्वास्त जमा करवाई गई है उसका जो है उसका जवाब लेकर जो है वो पेश होंगे। ये बहुत ही अहम मामला है रेस्क्यू 1122 में। ये आज नहीं, कई सालों से ये चलता नज़र आ रहा है कि डॉक्टर रिजवान नसीर डीजी है और वहाँ पर सिर्फ एक कंपनी को नवाजने के लिए इकदाम किए जाते हैं जिसका नाम अहमद मेडिक्स कंपनी है, जिसको जो है 900 मोटर बाइक्स जो है वो भी उसके जरिए तैयार करवाई गई थी जो बाद में खटारा होना शुरू हो गई। और इसके साथ साथ जो एम्बुलेंस की तैयारी की जाती थी चाइना से जो मंगवाई जाती थी उसमें भी बड़ी सारी इस तरह की जो है वो चीज़ें सामने आती रही हैं। और ये भी बताया गया जो दरख्वास्त जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी दी गई थी, नैब में भी दी गई और दीगर अदारों को भी जो है जो रेस्क्यू 1122 के मुलाजमीन ही हैं, एहलकार ही हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त दी थी, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि सिर्फ 323 एम्बुलेंस, 82 फायर व्हीकल्स, 900 मोटरसाइकिल जो हैं बाइक एम्बुलेंस, इनके तमाम टेंडर वजीर की बनाई हुई आला इख्तियाराती कमेटी को बाईपास करते हुए मुकम्मल किए गए हैं। इसी हवाले से जब ये हमने खबर ब्रेक की थी तो उस वक्त के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी जो है इनके खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई थी और वो भी हमने बताया था, और चार्जशीट तैयार करके उस वक्त के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को भिजवाई थी, लेकिन एक्शन नहीं हो सका और वो क्योंकि मुख्तलिफ अफराद से रबते करके मामला को रुकवाते रहे। अब जब क्योंकि मामला उधर पहुंचा है तो सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने फौरी तौर पर जो है एक टीम तश्कील दे दी है जो इस हवाले से रिपोर्ट जो है मुरतब कर रही है। आज क्योंकि एस एन जीएडी में और महकमा दाखिला के अफसरान के जो है इस हवाले से इजलास भी करते रहे, ये मामला भी सामने रखा गया कि हमने जवाब क्या देना है, इतने अरसों से जो बैठे हैं, अगर रेस्क्यू 1122 का फ्रांसिक ऑर्डर करवा लिया जाए और फ्रांसिक ऑर्डर रिपोर्ट सामने आए तो एक बहुत सारे इंकशाफात पर मुबनी जो है वो चीज़ें सामने आएंगी। सिर्फ 1 लाख या करोड़ों रुपए का नहीं बल्कि अरबों रुपए का जो है मेगा करप्शन स्कैंडल सामने आएगा, क्योंकि यही जो है रेस्क्यू 1122 एलडीए जो है जब एलडीए में आग लगी थी वहां पर भी कई जाने जाया गई थी, इनकी नाकस पॉलिसी के बाद जो है ये चीज़ें सामने आई। इसी तरह जब करप्शन चीज़ें सामने आई तो मोटरसाइकिल बाइक जो मोटर बाइक एम्बुलेंस जो है वो खरीदारी की गई थी उसमें भी जो है नाकस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था। बैग जो है वो पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस ले लिया है इस बारे में। शुक्रिया मोहम्मद हसन रजा, अपडेट कर रहे थे आप।